टेक यानी कि वेरिएबल वाल्व टाइमिंग एंड लिफ्ट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। हमने इस टेक्नोलॉजी को होंडा की कार्स में देखा है। वी टेक का फंक्शन जानने के लिए हमें इंजन की वर्किंग को समझना होगा। एक मॉडर्न आईसी इंजन में होते हैं चार स्ट्रोक, इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। इनटेक वाल्व से एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आया, कंप्रेस हुआ, स्पार्क प्लग से इग्नाइट और एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर। इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन एंड क्लोज करने के लिए यूज होता है कैमशाफ्ट, जिसपे बने होते हैं ये लोब्स। लोब्स वाल्व की टाइमिंग एंड ड्यूरेशन को कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए नॉर्मल स्पीड पर ये x सेकंड्स के लिए ओपन होते हैं, हाई स्पीड पर जब मुझे ज्यादा पावर चाहिए तो भी ये लो स्पीड जितना ही ओपन हो रहे हैं। तो होंडा ने सोचा हायर स्पीड के लिए डिफरेंट लोब्स ही ले आओ, कम स्पीड के लिए डिफरेंट लोब्स जो मुझे देंगे बेटर फ्यूल इकोनॉमी और लो एंड टॉप। हायर स्पीड यानी कि लगभग 6000 आरपीएम के बाद अलग लोब्स आ जाएंगे, वॉल्व्स ज्यादा ओपन होंगे, ज्यादा देर के लिए ओपन होंगे और मिलेगी मुझे ज्यादा पावर। आपने VVT सुना होगा, इसका फंक्शन भी सिमिलर है। आपकी गाड़ी में VTEC है या VVT कमेंट्स में बताएं। ऐसे और ऑटोमोटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू गो मैकेनिक।